हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप एक वर्कर हैं, आप अपना श्रमिक कार्ड बनाए हैं और अपना श्रमिक कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप अपना आधार नंबर से दोस्तों आप अपना श्रमिक कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं और सीख लेते हैं कि आपका श्रमिक कार्ड का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास नजर आता तो सर्च बार आपको टाइप करना है यूपी, जैसे सो upbocw.in टाइप करना है। ठीक है, upbocw.in आप टाइप करें, उसके बाद आपको सर्च करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके दोस्तों यहां तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ चुका है। यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश भवन आपको नजर आता होगा, उत्तर प्रदेश भवन देख सकते हैं आपके पास नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे जब आएंगे तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, डैशबोर्ड आपके पास नजर आता होगा। यहां पर देख सकते हैं कुल सक्रिय श्रमिक देख सकते हैं कितने लोग यहां पे हैं, उसके बाद देख सकते हैं कुल आधार सत्यापित श्रमिक देख सकते हैं ये है, कुल नवीकृत श्रमिक देख सकते हैं यहाँ पे। आप भी दोस्तों अपने लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों सबसे ऊपर आ जाना। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आपको नजर आता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मुख पृष्ठ के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बारे में, उसके बाद देख सकते हैं इधर तीसरा नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता होगा श्रमिक में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको नजर आता होगा यहाँ पे पंजीयन की स्थिति। ठीक है, देख सकते हैं आपके पास नजर आ रहा है पंजीयन की स्थिति, आपको पंजीयन की स्थिति चेक करना आपका स्टेटस क्या है श्रमिक कार्ड का। ठीक है, इसके लिए आपको पंजीयन की स्थिति के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर सो आप बाय चांस फोन में ओपन करते हैं तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 डॉट लाइन नजर आता है, इस पर क्लिक करके आप इधर देख लीजिए डेस्कटॉप साइड आपको नजर आता है, डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिएगा ताकि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप साइड में आप करेंगे तो आपके पास भी इसी प्रकार सेम इंटरफेस आ जाएगा, बाकी का प्रोसेस सभी का सेम होने वाला है। यहाँ पर आपको चले आना है श्रमिक पे, श्रमिक पे आकर के यहाँ पर आपको नजर आता होगा पंजीयन की स्थिति पर आप क्लिक करें। जैसे सो पंजीयन की स्थिति पर आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पे सकते कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा, आप आधार नंबर से भी जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आता हो आधार नंबर से भी जा सकते हैं, आवेदन संख्या आपके पास है उससे भी जा सकते हैं, या तो फिर पंजीयन संख्या से भी जा सकते हैं, तीन ऑप्शन है। तो सबसे जो अच्छा इजी लग रहा है आपको आधार नंबर ही आपको टाइप करना है, और यहाँ पे सिंपल से आप अपना आधार नंबर टाइप कर दीजिए। आधार नंबर टाइप करने के बाद देख सकते हैं कैप्चा जो नजर आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए सो मैं यहाँ पे आधार नंबर में टाइप कर देता हूँ और कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आता होगा सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर भी टाइप कर दिया, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ जो कैप्चा नजर आ रहा है कैप्चा भी यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर दोस्तों आपके पास आवेदन संख्या होगा या तो पंजीयन संख्या होगा तो उसे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दोस्तों सबसे अच्छा इजी लगा आधार नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं इधर आपको नजर आ रहा है सर्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे जो सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे कि यहाँ पे नया पेज आ जाता है, नया पेज आ जाने के बाद सो देख सकते हैं आपके पास ये पूरा डिटेल ही खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिटेल पूरा शो हो जाता है, तो यहाँ पे सो कुछ पर्सनल डिटेल हो जाने के कारण थोड़ा मैं हाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी देने मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले सो यहाँ पे श्रमिक का नाम, आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, श्रमिक पंजीयन संख्या देख सकते हैं, पंजीयन संख्या जो मैंने आपको बताया था आधार संख्या की जगह पे पंजीयन संख्या भी डाल सकते हैं, पंजीयन का दिनांक और पिता का नाम इधर शो हो जाता है, इधर आपका फोटो शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आपके पास शो हो जाता है, पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल है यहाँ पे आपके पास शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका श्रमिक सदस्य का पंजीयन संख्या, फिर से यहाँ पे श्रमिक सदस्य का नाम और यहाँ पे लिंग और आयु देख सकते हैं, तो यहाँ श्रमिक सदस्य का आधार संख्या नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, थोड़ा आधार संख्या नंबर यहाँ शो हो जाता है। उसके बाद संबंध देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपने जो जो डॉक्यूमेंट दिया वो यहाँ पे लगाया वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबमिट यहाँ देख सकते हैं, और नियोजन प्रमाण पत्र देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे कर्माशय योजना का नाम देख सकते हैं, कौन कौन योजना का आप लाभ उठा रहे हैं, योजना का स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर पाएंगे आपका लेबर कार्ड का स्टेटस क्या है, इधर देख सकते हैं अप्रूव वगैरह नजर आता होगा। उसके बाद देखते हैं भुगतान का विवरण भी दे सकते हैं, अगली तिथि दे सकते हैं, यहाँ पे आपका अंशदान तिथि दे सकते हैं, जो भी आपका श्रमिक कार्ड से जो भी काम किया गया वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी हूँ कि आप अपना आधार नंबर से दोस्तों अपना लेबर कार्ड श्रमिक कार्ड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स नजर आता हो, कमेंट बॉक्स को भर दें, मैं उसका रिप्लाई देता रहूंगा। और चैनल पर नए दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।